मूसा भाई ने किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें। एक गांव की बात है, एक लड़की के अंदर आ गई आत्मा। अब जब वो आत्मा आ गई तो वो उसे हवा में ले जाने लगी। अब हमने भी टिक सकती है, हमने मारा पैर और हम भी उस लड़की के साथ घूमने लगे। तो यार बोक्सर इतना ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी गई अपनी माँ चुदा में, ऐसी कोई चीज नहीं होती। क्या बकचोदी करता है बॉक्सर? अरे माकड़े क्या बोला, क्या बैंगन की बात करता, जानता नहीं तू मेरे को? बता रहे इसको क्या रे, जानता नहीं तू अपने को? तेरे पिछवाड़े में बम्बू डाल के तेरे को मोर बना देता मैं इधरी काले मुर्गी की ओर। अरे छोड़ो छोड़ो बॉक्सर भाई, रहने दो रहने दो। अरे भाई समझा कर रखो, कैसे आदमी रखते हो तुम अपने पास में? हमारा बंदा है, समझा कर रखो। इनको करता है का फोन आ गया बांडिया। सलाम वालेकुम बांडिया, बक किधर है छे? वालेकुम अस्सलाम बॉक्सर भाई। बॉक्सर भाई मैं जा रहा हूँ, और मेरा कहना सुना माफ कर देना। क्या बकचोदी करता रे बांडिया, सही से बोल, क्या हो गया रे तेरे को? ए बॉक्सर माफ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई। किधर है छे तू? बॉक्सर मैं कोठी वाले बाग पर हूँ, जल्दी आना वरना आज मैं लुढ़क जाऊंगा। उधर ही चाहता मैं, रुक तू रुक, उधर ही चाह रहा, जल्दी आ। क्या रे बॉक्सर क्या बोलता है बांडिया? अरे पता नहीं क्या हो गया रे साले को, पता नहीं क्या बोल रहा है, चल उसको देखते हैं यार। तुझे क्या फोन पर फोन कर रहा था तू? अरे बॉक्सर मेरे को नहाने के लिए जाना था, इसलिए मैंने तेरे को बुलाया। क्यों? नहाने मेरी फट रही थी। क्या रे माकड़े, हम समझे तुझको किसी ने घेर लिया है, किसी मारे करके जल्दी जल्दी आए। जा चल जा, नहा के आ पहले। अरे आ मूसा बैठ यार। अरे क्या फोन करता है अपना बांडिया, कितना कितना गैंड फटता रे भाई। अरे ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। मैं देख के चलवाए जब मेरा मनवा बोले, किसी के खटिया बोले चू 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 मेरे माँ की यार। अरे ये बांडी, अरे ओ बहन चुप, बांडिया को रुक पे। अरे पास, अरे छोड़ो पास भाई, छोड़ो पास भाई, छोड़ो यार छोड़ो, माधव छोड़ जा। अरे मुझे कैसे बात कर रहा है ये, समझा नहीं। छोड़ बांडी, मैं गुंडा ने जानता नहीं मैं साले। अरे साले छोड़ो यार, मैं तैयार मेरे भाई। पास भाई ठंडो ठंडो यार, तो माधव छोड़ इसकी। अरे नहीं पास भाई, पास छोड़ो यार छोड़ो, वो बचका ले साइड। अरे पास भाई, पास भाई। हां भाई अभी आया, चल भाई का फोन आ गया, भोसली वाले को बाद में देखेंगे। चल माता रे भाई, भाई इसकी गलती मैं बाद में देखूंगा। मारे चोट को, अभी तो भाई का फोन आ गया। पाशा भाई इसकी गलती नहीं, बाद में देखूंगा माधव चोट। इससे जो गलती होगी इसकी माफी मैं चाहता, इसकी बदमाशी देखूंगा। अब चल साइड में को, चल चल। मैं क्या जरूरत थी तुझे साले उससे भिड़ने की, ये पता नहीं वो कौन था। अरे क्या रे बॉक्सर, उसने अपने पे घोड़ा ताना था रे। अबे बताना ये कौन? अबे वो दशरथ सिंह का छोटा भाई है, वो हमको नहीं होगा जो होगा। ये बांडिया इस गर्मी को दिमाग से निकाल दे, वो पासा हमको नहीं छोड़ेगा। अरे यार छोड़ ना यार, मूसा क्या कर रहा है यार, चल बे चल चल ढाबे पे चलते चल। बे क्या हाल है पाजी? हाल पूछ बार है, पहले 30 रुपए निकाल। अरे अम्मा पाजी 30 रुपए कहेंगे? जो तुम अब उधार हो गए उसके। और तुम भी कुछ नहीं, चलो तीन चाय बनाओ। दादा साबुन है? है अच्छी वाली है, है। रोल की है, हाँ तुम एक काम करो टिकट दे दो, ठीक है? चल बहन चोर। दादा ओए भाई, मैं क्या तू
कैसे निकालते हैं साहब का? हाँ देखा होगा इसका हिसाब बाद में करते पहले इनका करते हैं। मुझे कोई भी फफून नहीं चाहिए, चुप रहना, अपना खून ठंडा कर ले, ठीक है? अबे तुम्हारे लोगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है सालो, मैं अब तेरे चाटे का हिसाब मैं देता हूँ, रुक बे माता छोड़। कौन सी जगह है वो? सवाल ये चलो अरे उस माधर जात से कहना है दर्शन सिंह की गाड़ी है, दर्शन सिंह की गाड़ी पकड़ने की सावरे ने हिम्मत कैसे करी? अगर हमने एक कदम भी बाहर रख दिया यहाँ से तो साले की हवा निकल जाएगी, बता दो उस माधर जात से। जात छोड़ इसको, आने दे जी काम होगा। ये छोटे इधर आ, इधर आ, यहाँ बैठ। ये मुंह पे क्या हुआ भाई? को कुछ नहीं, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। सही बता मुझे छोटे भाई, मुझे कुछ और नजर आ रहा है। कुछ नहीं, वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक पोपट तू बता क्या हुआ सर से? नेताजी ढाबे पे दो लड़कों के साथ गप्प हो गया था। हमारे नाम से इलाका कांपता है, तू उनसे यहाँ फिट करा गया, जब तक उनका काम तमाम ना हो जाए यहाँ मत आ जाना, बता रहा हूँ मैं तुझे आज के बाद। जहाँ से आया है वही उसे पहुँचाते। ले लो कुछ ले लो, बस देखे बाद में बताओ तुमने देखा है तुमने? नहीं भाई नहीं देखा। कहीं मिले तो फोन कर देना, ठीक है? ढूंढते कहीं नहीं मिलते, कहाँ मिल सकते हैं? वे सेल के बाजू वाले खंडक में। उम्मीद है कुछ वहाँ मिल जाए? उम्मीद है। चलो साधो को ढूंढते। बच्चू
तो और कोई है, हम बस कुर्की लाते हैं जो किस्मत। ठोक देगा सालों को पकड़ के। अबे साले लगते हुए रहे हैं, अबे कहाँ थे तुम? अबे कहाँ पर थे यार तुम दोनों? मैं कब से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अबे यार हमारे पीछे वो पाशा लग गया था बाग में, हमने तो मार दिया वहाँ पे ले आके। बे यार बे ओके कर दे तुम दोनों ने, बे अपनी जान जान भी जोखिम में डाल दे और मुझे भी फंसवा दिया सालों। बस साले हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता और हमारे बाद तुझे भी मार देता, अब हम क्या करते? चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, चलो अब आराम कर लो। साले कुत्तों की तरह हाँफ रहे दोनों के दोनों।
अरे क्या हुआ बेटा पोपट? चौधरी साहब तुम आगे भाई को मारा। चौधरी ने भोसड़िया वाले ने हमारे भाई पर हाथ उठाया। हमारे भाई का मर्डर हुआ है, ध्यान रखना। हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन मादर चोदों को मुझे कहीं से मिला के दो, मादर चोद को पूरे क्षेत्र में ढूंढ बचा दो, कहीं से मिला के दो। ईरानी मुझे मेरे भाई के कातिल याद चाहिए। कल तक ध्यान दे किस बात का हमारा भाई मरा है। नेता जी वो हमारा ही भाई था, कल सुबह तक उसकी लाश तुम्हारे कदमों में मिलेगी और ना मार पाया ना तो मेरा चेहरा मत देखना। चलो तो मैं कुछ धूमपान कर लूं यार, थोड़ा दिन हो गया। बताया तुमने क्या किया? सब पता है हमें, सब पता है। मादर चोद बैठ बैठ रहा भाई, दादी हमें छोड़ दो। नहीं था मैं तेरे दिन नहीं छोड़ गया दादी। बाइक पे बैठ भूसा, बैठ जा भाई, बैठ जा भूसा। यार मूसा और बॉक्सर को तो पुलिस लेगी, अब इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा सालों को। तुम्हें बताया दशरथ सिंह तुम्हें कितनी बुरी तरीके से ढूंढ रहा है, जानते भी हो। तुम्हारा कसाई खाने में एक एक मवाने के तुम्हारी बोटी बोटी मिलेगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम मेरी छुट्टी करवा दो। तुम जानते भी हो मेरे 48 एनकाउंटर हो चुके हैं और तुम दोनों को मार के मेरी 50 हो जाएगी। हेलो, हाँ सर, छोड़ देंगे, ठीक है छोड़। हेलो सर, सर बल्लू का फोन आया था, इन लोगों को छोड़ने के लिए कहा उसने। साला बल्लू हर काम में टांगण आता है, पहले उसका ही करना पड़ेगा। चलो भाई चलो भागो यहाँ से, मैं किसी और दिन देखता हूँ। बॉक्सर में तो लगता है पीछे तुम्हारी गांड पर गोली मार दी। सही कह रहा हूँ नेता जी, उन लड़कों को पुलिस वालों ने छोड़ दिया है, वो बल्लू के साथ जाके मिल गए। बल्लू गैंग से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, देख लेंगे हम बल्लू गैंग को भी। I think I know she like it 'cause we're late.
लो बल्लू भाई बोलो यार, तेरे को बोला था ना जुम्मे की नमाज के बाद मेरे को मौने के किसी भी कसाई खाने में उस कुत्ते की बोटी बोटी चाहिए, समझा तू? धन्यवाद सूर्या भाई, नहीं तो हमारा पुलिस वाले एनकाउंटर कर देते। ए धन्यवाद हमें ना बोलना, बल्लू भाई को बोलना, हमारे बल्लू भाई ने बचाया। बल्लू भाई किसी को फ्री में नहीं बचाते, उन्हें तुमसे कुछ काम है। बल्लू भाई ने ना हमें इनकाउंटर से बचाया, हम बल्लू भाई के लिए कुछ भी करेंगे, अपनी जान भी दे देंगे। जान देनी नहीं है, जान लेनी है। इसने भाई के साथ गद्दारी की है, इसे ठोकना है। सूर्य भाई हमें मिलेगा कहाँ? एक पंजाब बैंक के सामने मार्केट में मिलेगा। ये तुम्हारा पहला काम है, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। भाई हम काम तो कर देंगे, लेकिन हमें एक दफे बल्लू भाई से तो मिलवा दो। अपने काम को अंजाम देना, फिर तुम्हें बल्लू भाई से भी मिलवाऊंगी। चलो क्या हुआ? वो दुकान में भी नहीं आया, अभी वो आएगा, मगर बस चाहिए अपना अपना फील्डिंग सेट करके बैठो, जहाँ भी मिले ठोक देना, सही है ना? फील्डिंग लगा के रखनी सब। भाई जरा दो गोल्ड फ्लैग भेज बड़ी। ओए भाई निकल पीछे, भाई कौन तो तुम भाई? भाई कहां से आए हो भाई? क्या चाहते हो? पीछे बैठ, पीछे लड़के लड़ना प्राण चाहते हैं। ये ब्लंट चल पीछे हो, ये देखा ना, किसी ने भी किसी ने जो पीछे में बताया ना, सालों सबको ठोक देंगे। करेश रोगी को मार दिया। अच्छा। बल्लू भाई ने दशरथ सिंह से खतरा है। अब इन्हें दशरथ सिंह से डरने की जरूरत नहीं है, अब ये मेरे लिए काम करते हैं।
बल्लू भाई अभी खबर आई है कि दशरथ सिंह का मेरठ से ट्रक आ रहा है अफीम का भर के, उसको लूट लो तो अपना कमजोर हो जाएगा। दे राणा इनको ट्रक की टिकट, वो सूर्या तू इन लोगों की सहायता है। ये सूर्या मेरे आने से पहले ये काम करवाना चाहिए। ठीक है भाई। नेताजी आपकी गाड़ी मंगाने में एंट्री हो गई है, आ रहा हूँ आपके माल लेकर गोडाउन में। यहीं रोक लो, दशरथ सिंह की गाड़ी यहीं से निकल के जाएगी, सही है ना? तो इसलिए यहीं खड़ा हो जाओ। बस बस यहीं रोक लो। बस और नहीं आनी चाहिए भाई, खाली उसकी गाड़ी। कैसे भी करो और नजरें गड़ाओ अपनी, कैसे भी कर ले, ठीक है ना? देखो चारों तरफ ठीक है भाई, पहले कोई सा भी जाके उससे साले के दशरथ सिंह की गाड़ी आने वाली है, वो वाली देखो गाड़ी दशरथ सिंह की गाड़ी। बांडिया तो बोल रहा था कि वो ए टू जेड जो अभी शॉप खुली है ना, नहीं वहां से जैकेट खरीद रहा हूँ। चलो बल्लू भाई, हमने दशरथ सिंह का ट्रक लूट लिया और तुम्हारे गोडाउन में खड़ा कर दिया लाके। उसका तो साले का टंटा गोपाला हो गया रे, अब उसको कुछ नहीं कर सकता। नेताजी वो जो तुम्हारा टेका का गया था ना, वो उन दोनों ने लूट लिया जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा था। वो ये काम उनसे बल्लू ने करवाया है। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने हमारे भाई का ही मर्डर कर दिया, हमारा ट्रक भी लूट लिया। जाइए मुजीर प्रधान को बुलवाओ और उन लोगों के पास मरवाली के लिए मुजीर प्रधान को भेजो। जानिए कहा हो तुम्हें नेताजी ने याद किया है, जल्दी आओ। बिल्कुल रान जी से बात तो हो गई है, आ गए दो मिनट में आपके पास। अकुल बताइए ने तेरी कैसे याद किया हमें तुम्हें? याद किया प्रधान जी, आप ही हमारे पीछे में सबसे खास हो। हमारे भाई की हत्या कर दी गई कुछ लोगों द्वारा और आज उन लोगों ने हमारा जो मेरठ से चल के ट्रक आ रहा था उसे दोबारा इन्होंने लूट लिया। तुम्हारा ट्रक लूटा किन्ने आई है? दादा जिसने हमारे भाई की हत्या की है वे लोग बल्लू के पास ही मिलेंगे तुम्हें। बल्लू के पास जाओ मंडवाली के लिए आप। जरूर ये जरूर करेंगे। मुझे प्रधान एक बात का ध्यान रखना आप, हमारे भाई की हत्या हुई है, हत्या के बाद हमारा ट्रक लूटा है, चाहे कितना रुपया लग जाए, चाहे ए डीजर छोटी तक की जान लगानी पड़ जाए, बल्लू से बात कर लेना कितनी भी लंबी डील हो, पर वे दोनों लोग मुझे मेरे कदमों में चाहिए। मुझे प्रधान ये हमारा आदेश है आपके लिए। तुम्हारा काम जरूर होगा, हम जा रहे हैं तुम्हारे कदमों में लाके डालने के लिए।
हेलो जी बल्लू भाई, मुशीर प्रधान और बिट्टू पिस्टल मिलना है तुमसे, ऊपर भेज दूं। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत अफसोस हुआ, नेता का भाई मर गया। बल्लू अफसोस ये होगा तो तेरा आदमी ने मारा उन्हें। दोनों आदमी चाहिए, बॉक्सर और मूसा। क्यों चाहिए तुझे? क्यों क्या? ठोक देगा साले को, खून का बदला खून। जो हो गया वो हादसा था बिट्टू पिस्टल, उसकी तो माँ का बिट्टू। बस बल्लू ये किसी भी हालत में दोनों चाहिए। वे सुन प्रधान, अब वे लोग मेरे लिए काम करते हैं, मैं उन्हें किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। तुम सुन प्रधान, वो जो तेरा दशरथ सिंह है ना, जिसने ग्रेटर मवाना में हराम की जमीन पर दो फ्लैट जो बना रखे हैं, तो उसने मुझे याद नहीं किया और आज मांडोली के लिए मुझे याद करता है। चल तो ठीक है, उन दोनों इस गल दिखा दे मुझे। ए बिट्टू पिस्टल और मुशीर प्रधान, यहाँ आए हम पता क्या करेगा हमसे मिलकर? ले आ गए हम, चल वे पहले इन्हें देखते। प्रधान इन्हें ही ठोक से है, कोई मान वाली नहीं है। बिट्टू पिस्टल अपनी जबान को लगाम दे, शुक्र समझ तू मेरा मेहमान है, वरना मेरे लोग तेरा यही गेम बजा देते। इससे पहले मेरे आदमी तुम दोनों को यहाँ से फेंक दे, पहली फुर्सत में निकल। बल्लू इन दोनों चक्कर में तू ही मारा जाएगा। चल मुन्ने तेरे को देखता, चल चल निकल यहाँ से। भाई बल्लू के पास गए हम, उन्हें मना कर दिया लड़कों को देने के लिए। प्रधान जी, अगर बल्लू ने उन लड़कों को देने के लिए मना कर दिया तो हम आपको एक आदेश और जारी करते हैं माननीय प्रधान जी। प्रधान जी एक काम करना, अब बल्लू को भी उनके साथ साथ जहाँ भी ये दोनों लोग और बल्लू भी मिले, तीनों का मुझे तुमसे जो है उनका खात्मा चाहिए। बहुत जल्दी करके उन लोगों को इस दुनिया से विदा करो, ये आदेश देते हैं हम आपको। चौधरी साहब आज उनका जाम बजा दूंगा सबको मैं। खबर प्रधान जी, एक खबर मिली है, बांडिया बाजार में घूम रहा है। चलो आज साले इसके क्या मैं आते आज निखिल जी, एक तुम्हारा पंची आजाद करने जा रहे हैं। ओके हेलो, अरे बिट्टू पिस्टल, अरे किधर है भाई वो स्टार पे आ जा। हाँ गन बैग तेरे पे। मुझे प्रधान जी क्या काम है? अरे वो एक बंदे को प्रधान कर रहा है, टपकाना है। तुम दोनों मुझे जानते नहीं, मैं बल्लू भाई के लिए काम करता हूँ। बहुत पछताओगे दोनों के दोनों। मैं जानता मैं बिट्टू पिस्टल हूँ, मैं हूँ मुशीर प्रधान। मुशीर प्रधान है नाम मेरा, जहाँ भी जाए जलवे काट दूंगा।
सबको मारो, भाग जाओ। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं तुम दोनों को उसे दे दूंगा? उस साले दशरथ सिंह का काल तुम्हें खत्म करो। अभी तो हम लोग का ट्रक ही लूटा है, अब बिट्टू पिक्चर और मुझे प्रधान को ही मारेगा। साले को तो काल खत्म करना है। अब उनकी जगह पे ही उनको ठोक देंगे। तो भाइयो बिट्टू पिक्चर में मुझे प्रधान ने पांडे को बीट वाले कुत्ते को कहीं से भी ढूंढना और उसे ठोक देना। पांडे को मार दिया है और उनके लड़के शहर में हंगामा कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी शहर में हंगामा नहीं चाहिए। गाड़ी निकालिए, बहुत जल्दी शहर के बाहर वाले टापू पर चलना है हम लोगों को। चलिए। मशहूर हो गए, अज माड़े दिनां कोलों जट दूर हो गए। काले शीशियां च लैंदे आ पछाण, चन्नी हेणी विच बैठा कोई चोटी दा सितार हो गए। गड्डियां दी लाइन तो तू जज कर लीनी, विच मातरी नी बैठा तेरा यार हो। शहर मलो मली सीज सारा झट हो जांदा। ओ साडा वजे जिथे गेड़ा है उथे कट हो जांदा। शहर मलो मली सीज सारा झट हो जांदा। रौला एंट्री साडी दा पहुंचे घर घर नी, माड़े दिल वाला बंदा आपे चक हो जांदा। जिथे खुद खुशी कर ले कोई आपे चन्नी नी, बस समझी तू साडा ही ओवार होगा। लम्मी गड्डियां दी लाइन तो तू जज कर लीनी, विच मातरी नी बैठा तेरा यार होगा। ए मुजीर प्रधान, एक बात का ध्यान रखना, वे दूसरे गैंग के लोग भी बड़े साथी रहे। चारों तरफ फील्डिंग टाइट हो जानी चाहिए। कोई भी शिकायत आ गई तो देख लेना, सारा मामला खराब हो जाएगा। हम दो लोग उधर खड़ा लोगों में तो उन्हें लंदो को दिखाओ खड़ा तो यार। ए यहाँ यहाँ जदों गड्डियां दा तुरदा ए नाल काफला नी, वड्डे अखबार कहिंदे असी विच छापणा। जदों गड्डियां दा तुरदा ए नाल काफला, वड्डे अखबार कहिंदे असी विच छापणा। टीवी वालेयां दी अख साडे उत्ते टैकदी, कहिंदे इना बिना खबर नी साडी वेखदी। जिहड़े कम्मां नू पुलिस हुंदी बहन करदी, ओए ओही कम्म साडे कोलो वार वार होऊगा। लम्मी गड्डियां दी लाइन तो तू जज कर लीनी, विच मातरी नी बैठा तेरा यार होऊगा। लम्मी गड्डियां दी लाइन तो तू जज कर लीनी, विच मातरी नी बैठा तेरा यार होऊगा। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे चिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात है,
पता नहीं कहाँ है। मैं बताता है यार तेरे को, ठोके इधर ही। दसरा सिंह अभी निकला है अपने टापू की तरफ। चलो इसकी मांग है, इसके टापू पे चलते हैं। चलो जा तो रहे हैं, मगर उसके टापू मानो का नहीं होगा। चलो तो एक काम करते हैं। ड्रीम ऑफ नाइट, ड्रीम ऑफ डे, ड्रीम ऑफ वॉचिंग यू फ्री। मादरचोदो नीचे बैठो। मादरचोदो, इन मादरचोदो ने बहुत गंदगी मचाई है, ठोक डालो मादरचोदो को। इनको मैं इंतजार देखता हूं। हथियार नीचे दे दो, हथियार आ गए इनके, हथियार आओ।